गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है ट्यूसडे का और सुबह का टाइम था और हम सभी लोग उठ गए थे और मैं जो बेड है तो बेड को क्लीन कर रही थी और जो सारे ब्लैंकेट है उनको फोल्ड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो एमपी में सबसे ज़्यादा ठंड हमारे ही ज़िले में पड़ रही है और सबसे ठंडा ज़िला है। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि जो बिस्तर कपड़े वगैरह हैं तो वो हमेशा फैले ही रहते हैं और जो बेड था वह मैंने क्लीन कर लिया था और बेड शीट को भी साफ़ कर लिया था और बेडरूम हमारा क्लीन हो गया था। और इसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। और अभी मैंने चाय नहीं बनाई थी और अभी हस्बैंड भी आजकल मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इस वजह से अभी कोई कहीं भी नहीं जा रहा है। और झाड़ू भी मैंने लगा ली थी और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैं बना लूँगी चाय। और मैंने दूध को गर्म होने रख दिया था और चाय को भी बनने रख दूँगी और जो जब तक बाकी जो मेरे काम होंगे तब तक चाय भी बन जाएगी। चाय भी बनती जा रही थी और जो पार्थ है तो पार्थ की भी जो छुट्टियां हैं तो वह भी खत्म होने वाली हैं और ठंडी भी अभी काफी बढ़ गई है तो बच्चों को स्कूल जाने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम अभी होगी ही। और चाय भी मैंने बना ली थी और जैसे ही चाय बन जाएगी तो बस सभी लोग साथ में बैठेंगे और बैठने के बाद चाय पियेंगे, उसके बाद जो बाकी के काम है वह मैं करूँगी। और चाय बन गई थी और हम सभी लोगों ने पी ली थी और जब हम नीवर पे घूमने गए थे तो वहाँ से कुछ प्लांट लेके आए थे तो बस मैं और हस्बैंड उनको ही लगा रहे थे। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये मौसम इस तरीके का है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है और शीतलहर भी बहुत ज़्यादा चलती रहती है। और हम लोग जब भी कुछ स्पेशल डे या कुछ भी होता है ऐसा तो हम लोग हमारे टेरेस गार्डन में कुछ पौधे इंक्लूड करते हैं तो बस हम लोग न्यू ईयर पे भी कुछ प्लांट लेके आए थे तो बस उनको भी हम लगा रहे थे और उनको साइड में रख रहे थे तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़े करके हमारा जो टेरेस है वह गार्डन बन गया है। तो सारे जो फ्लावर्स वगैरह हैं उनको भी हम लगा रहे थे और पौधे लगाने के बाद जो सारे पौधे लगाए हैं तो उनमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दूंगी। वैसे तो अभी ठंड बहुत पड़ रही है, पौधों को पानी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, पर जो अभी न्यू प्लांट लगाए हैं तो उसमें तो थोड़ा पानी देना ही चाहिए तो बस फटाफट से मैं उनको भी पानी दे दूंगी। और फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हम लोग प्लांट लगाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। प्लांट लगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे और कर लूँगी लंच की तैयारी क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो मैंने सबसे पहले दाल को बनने रख दिया था और दाल में बना रही थी अरहर की दाल और सोयाबीन की सब्जी। तो एक तरफ मैंने दाल को बनने के लिए रख रही थी और दूसरे साइड जो सोयाबीन थे उनको भी बॉयल होने के लिए रख ली थी। दाल को मैंने पहले धो लिया था और जो ड्राई मसाले हैं उन सभी को मैं डाल दूंगी और साथ ही में मैं टमाटर और जो हरी मिर्च है उसको भी ऐड कर दूंगी। सारी चीज़ें डाल दी थी और जब तक दाल बनेगी तब तक जो सोयाबीन है वह भी बॉयल हो जाएंगे तो बस सारे काम टाइम से होते चले जाएंगे। जब तक सोयाबीन बॉयल हुए थे तब तक दाल भी हो गई थी बनकर तैयार और जो दाल का तड़का है उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। और तड़के के लिए मैंने तड़के पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और उसमें मैंने डाली थी हींग और थोड़ी सी राई, जीरा और लहसुन और प्याज और हरी मिर्च मैंने अभी नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी तभी हम तड़के की भी तैयारी कर लेंगे। और एक तरफ हमारा तड़का भी तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ मैं सोयाबीन की सब्जी की कर रही थी तैयारी क्योंकि दाल बन रही है तो पार्थ दाल नहीं पसंद करता है तो इसलिए वह सब्जी खाएगा। और जो तड़का है वह भी हमारा हो रहा था तैयार और साथ में मैंने दाल की भी कर ली थी पूरी तैयारी और दाल हो गई थी हमारी फ्राई। और इसके बाद जो दाल थी तो उसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी क्योंकि इसी कुकर में मैं बनाऊंगी चावल। दाल भी बन गई है और कुकर को भी मैं साफ कर लूंगी और साथ ही साथ सब्जी की भी तैयारी करती जाऊंगी। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि एक साथ मेरे 2 से 3 काम साथ में होते जाते हैं।
चावल को भी मैंने बनने रख दिया था और साथ ही कर लूँगी मैं सब्जी की तैयारी। कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था और उसमें जीरे भी ऐड कर दिए थे, और जीरे लहसुन जैसे ही भुन गए थे तो मैं उसमें प्याज को भी ऐड कर दूंगी। तो प्याज और हरी मिर्च दोनों ही मैंने काट लिए थे और जीरे लहसुन भी हो गए थे भुनकर तैयार, और इसके बाद मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया था। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी भुन गई थी तभी मैंने उसमें टमाटर भी ऐड कर दिया था, और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक को भी ऐड कर दूंगी जिससे कि जो हमारे टमाटर हैं जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक भी ऐड हो गया था और जो टमाटर थे वह भी सॉफ्ट हो गए थे। इसके बाद जो सोयाबीन थे वह मैंने बॉईल हो गए थे तो उनको निचोड़ लिया था अच्छे से ठंडे पानी में धो के, और इसके बाद जो सोयाबीन है उनको भी मैं कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। और इसके बाद मैं मसाले ऐड करूंगी, और मसाले में मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस इतने ही मसाले डालेंगे। और जो सब्जी हमारी उसको पाँच छः मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पर भून लूँगी, क्योंकि धीमी आंच पर जो सब्जी भूनते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। सब्जी बन गई थी और जो हरा धनिया था वह भी मैंने ऐड कर दिया था और सब्जी बनकर हो गई थी तैयार। और उसके बाद मैं आटे की भी कर लूँगी तैयारी, और आटा भी हो जाएगा जैसे ही तैयार तभी मैं रोटियों की भी तैयारी कर लूँगी। और आटा मैंने तैयार कर लिया था और जो रोटियाँ थी उनको भी मैं बनाने लगी थी, और चावल अभी हमारा बन रहा था तो चावल बन रहा था और थोड़ी ही देर में चावल भी बन गया था और रोटियाँ भी हमारी तैयार होती जा रही थी। और साथ में मैंने सैलड भी काट लिया था, हस्बैंड के लिए लगा दिया था खाना, और खाने में मैंने आज बनाया था दाल चावल सोयाबीन की सब्जी और रोटियां, बस इतना ही हमारा आज का लंच था। और उसके बाद हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था और उनके लिए रोटियां भी सेक कर दे दी जा रही थी, और मैं और पार्थ बाद में खाना खाएंगे तो जब हम खाना खाएंगे तभी मैं गर्म रोटियां बना लूंगी। खाना खाने के बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और उसके बाद मैंने नहा लिया था और खाना भी हमारा हो गया था, और उसके बाद जो बर्तन थे बर्तन की क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी, और इसके बाद मैंने किचन को भी क्लीन किया था, तो बस सारा काम हो गया था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।